हिमालयन के जो लगेज सिस्टम है उसका एक छोटा सा अपडेट था। एक्चुअली हमने एक जयपुर टू अजमेर की ट्रिप करी है, तो उस ट्रिप में हम काफ़ी सारा लगेज लेकर के आए हैं और कार्बोनाडो के बैग्स में ही लेकर के आए हैं। तो पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कार्बोनाडो के जो बैग्स हैं वो अटैच कैसे किए जाते हैं और किस तरीके से वो पूरा सिस्टम असेंबल किया जाता है, और फिर उन बैग्स को निकाल करके उनको हम अनलोड भी करेंगे और उसमें आपको ये दिखाएंगे कि कितनी सारी कैपेसिटी उन बैग्स की और कितना ईजीली हमने कितना सारा लगेज उन बैग्स के अंदर कैरी कर लिया। आइए देखिए, ये बैग्स हैं। ये बैग्स के अंदर चार स्ट्रैप्स होते हैं और इन स्ट्रैप्स को हम इन हुक्स के अंदर अटैच करते हैं। इन हुक्स को खोलना बहुत आसान है। ये देखिए, इस तरीके से ये होता है, हल्का सा आप इसको पुश करें और ये हुक्स इस तरीके से आराम से बाहर निकल जाते हैं। ये मेटल के हुक्स हैं और इनकी शेप इस तरह की बनी हुई है कि एक बार आपने फासन कर दिया, अच्छे से टाइट कर दिया, तो यहाँ से फिर ये नायलॉन के जो स्ट्रैप्स हैं ये स्लिप नहीं होते, तो बड़ी आसानी से आप इनको अपने साथ में कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ये देखिए, दूसरा वाला भी इतनी ही आसानी से हम इसको खोल लेंगे। इस तरह से चार हैं इसमें, आगे पीछे के लिए चार जगह से ये लगा हुआ है। बहुत इजीली आप एक फिंगर इसमें डालें और आराम से खुल जाता है। बहुत सिक्योर है। हम हाईवे पे अप्रोक्सीमेटली 135 किलोमीटर हम राइड करके आए हैं और इस राइड में अप्रोक्सीमेटली 90 और कभी कभी 100 के आसपास भी हमने राइड करी है। मेरे पास में एक पिलियन भी था और इसमें इन तीनों बैग्स के अंदर तकरीबन 20 या 22 केजीज के आसपास का लगेज लोड है, तो स्ट्रैप्स कहीं पर भी निकले नहीं, बहुत ईजीली इसके अंदर आराम से इसमें टिके रहे, सामान भी आ गया। देखिए, ये एक बैग अनलॉक हो गया है, इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ। अब इसके अंदर सैडल स्टे के ऊपर लगाने के लिए एक छोटा सा और इसके अंदर है, वो ये वाला बकल है। तो इस बकल को हम जैसे ही ओपन करेंगे तो ये सैडल स्टे से ये यहाँ से अब सिर्फ इनके ऊपर आ गया, तो इजीली हम इनको भी इन स्ट्रैप्स को यहाँ से आराम से इनको खोल लेते हैं। ये मैंने डबल करके लगा रखे हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए, तो दोनों को अलग अलग करके हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, इतने आसानी से खुल जाता है ये। और यहाँ पे ये एक स्ट्रैप है, ये एक ये अलग हो गया, एक स्ट्रैप यहाँ पर है, इसको भी मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। उसी तरीके से बड़ी आसानी से जैसे डबल में लगा रखा है, ये ओपन हो गया और आप देखें ये कितने स्ट्रॉन्ग हैं ये नायलॉन वाले स्ट्रैप्स। ये अब सिर्फ पूरा बैग केवल एक के ऊपर ही टिका हुआ है और अभी भी ये गिर नहीं रहा है, बड़े आसानी से टिका हुआ है। बहुत मजबूत सिस्टम है, कार्बोनाडो की कंपनी की तारीफ इसीलिए है क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी का ये सामान बनाते हैं। ये दूसरा बैग भी हमने निकाल लिया, अब तीसरा बैग भी हम इसको निकाल लेते हैं फटाफट से, फिर मैं आपको एक बार स्ट्रैप्स की क्वालिटी भी बता देता हूँ। देखिए, ये बड़े इजीली ये निकल गया। इसीलिए हमने दो तरफ के स्ट्रैप्स तो निकाल लिए। दोनों को एक साथ पकड़ के भी हम निकाल सकते हैं, मैंने काफी टाइट करके लगा रखे हैं ताकि राइड के बीच में कहीं पर भी ये इधर उधर ना हो। ये देखिए, चारों स्ट्रैप्स खुल गए और इस ये बकल को खोल करके हमने ये बैग आराम से अलग कर लिया। अब इतनी आसानी से आपका पूरा लगेज इसमें निकल जाता है। और ये देखिए, ये इसके अटैचमेंट के स्ट्रैप्स हैं, ये इस डी रिंग के ज़रिए ये लगते हैं और आप अपने सैडल स्टे में ये चारों अटैचमेंट्स लगा करके अपना लगेज ले जा सकते हैं।
ठीक है, अब हम अभी के लिए क्लिप को स्टॉप करेंगे और इसके बाद में मैं अंदर ले जाकर के इनको अनलोड करके आपको बताऊंगा कि कितना सारा सामान इनके अंदर आ गया। आइए चलते हैं, हम बैग लगेज को लेकर के आ गए हैं अभी। और पहले मैं इसका आपको ओपनिंग मैकेनिज्म बता देता हूँ। ये वाले जो बैग्स हैं ये 100% वाटरप्रूफ हैं। तो वो कैसे होते हैं, यहाँ देखें आप, ये देखिए, इनको ओपन करने के लिए ये एक बकल हमने यहाँ से ओपन किया और इसी तरीके से ये दूसरा बकल है वो इसके दूसरे साइड से ओपन हुआ। ये तीन फोल्ड हमने करके रखे हैं, तीन फोल्ड को हमने ओपन किया और ये बहुत स्ट्रॉन्ग वेलक्रो है। ये हमने वेलक्रो ओपन कर लिए। अब देखिए मैं एक बैग आपको अभी ओपन करके बताता हूँ। देखिए ये एक पैकेट आया, ये वाइफ के सूट्स वगैरह हैं, ये डिस्पोजेबल आइटम, ये देखिए ये और सूट्स, एक और सूट, इसके बाद में ये एक ही बैग अभी खाली कर रहे हैं। इसमें आप देखें, ये बच्चे की पिचकारी है, होली आने वाली है, ये ज्वेलरी सेट है, ये गारमेंट्स हैं डेली यूज के। तो इनको आप पॉली बैग में अगर रख लेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए मैनेज करना इजी हो जाएगा। तो इस तरह इनके पैकेजिंग क्यूब्स भी आते हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको जल्दी जल्दी में यही मिल पाया इसलिए हमने इसमें पैक कर दिया। ये एक बैग का सारा सामान हो गया इसमें, ठीक है। अब मैं दूसरे बैग को ओपन करता हूँ, सेम प्रोसेस, एक बकल ये हटाया, एक बकल ये हटाया, इनके हमने तीन फोल्ड कर रखे थे, तीन फोल्ड ओपन करने के बाद में ये वेलक्रो ओपन किया, देन ये टॉयलेटरीज हैं, ये अभी होली के लिए गुब्बारे हैं, बलून, वाटर बलून, ये सामान आ गया इसमें, देन इसके बाद में ये मेरे कपड़ों का एक पैकेट है, एक पैकेट ये है मेरे कपड़ों का, इसके अंदर शायद दो जीन्स, चार टी शर्ट्स और थोड़ा से एक दो शायद टॉवल वगैरह और हैं। तो ये तीन या चार दिन के लिए, ये एक आदमी के लिए काफी हो जाता है। एक ये टेल का पैकेट है, ये बैग भी हो गया। अब ये थर्ड बैग देखते हैं, ये ऊपर वाला, इसका ये बकल हटाया, ये दोनों बकल खोले, ये देखिए आप, ये कुछ गिफ्ट आइटम है, ये रंग है, ये लेडीज के सूट, ये देखिए आराम से इसके अंदर सारे आइटम इजीली आ गए। ये आईपैड हमने इसमें रख दिया था, मैंने इसके बाद में ये वाइफ के कपड़े हैं सारे, और इसके बाद में हमारे रिलेटिव्स के लिए हम कुछ गिफ्ट्स लाए थे वो ये गिफ्ट्स हैं। तो ये देखिए, अब ये सिर्फ तीन बैग के अंदर, तीन बैग्स में ये इतना सारा आप देखें, पूरा फुल लगेज आ गया है।
और एक फैमिली के लिए 3-4 दिन की ट्रिप को मूव करने के लिए ये काफी है स्पेस। और अभी भी एक बैग के अंदर थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ था, जिसमें इतना स्पेस था कि 3 जीन्स या फिर 5-6 शर्ट्स टी-शर्ट्स इजीली और आ सकती थी उसके अंदर, लेडीज के कपड़े भी आ सकते थे। और फिर साइड्स के छोटे छोटे स्पेसेस बचे हुए थे इनकी, इन हर एक बैग के पीछे मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, ये हर बैग के पीछे आप देखें, एक तो ये नेट है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए, और दूसरा एक इसके अंदर ये जिपर वाली लोडिंग पॉकेट है, एक ये पॉकेट है, और ये भी पूरे फुल बैग के अंदर है। तो आपकी फाइल्स वगैरह इसके अंदर A4 साइज की शीट तकरीबन 200 शीट्स के आसपास में इजीली आ सकती हैं। तो ये वाली पॉकेट्स तो हमने लोड भी नहीं करी थी। तो अब इसके साथ में आप देखें बड़े इजीली, बहुत बहुत अच्छा ये लगेज सिस्टम है और यूनिवर्सल है, किसी भी गाड़ी पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि केवल हिमालयन 450 पे यूज करें, आप पुरानी वाली हिमालयन पे यूज कर सकते हैं। एडवेंचर 390 जो KTM की 390 एडवेंचर है, उस पे मैंने ये लगे देखे थे, बहुत अच्छे लगते हैं, आप उस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत रगेड लुक आता है। मैंने BMW की GS850 पर भी ये लगे देखे हैं, तो बहुत अच्छा सिस्टम है। प्लस इसके अंदर आपके जो एल्यूमिनियम के बॉक्सेस हैं उनके साथ में मजबूरी नहीं रह जाती है कि वो हर जगह आपको लगे हुए लेकर के जाने पड़ेंगे, हटा करके आप रख सकते हैं। थोड़ा सा इसका एक ड्रॉबैक ये है कि सॉफ्ट लगेज है, तो अगर ये सामान खाली होने के बाद में फिर थोड़ा सा गाड़ी में लगे हुए ये अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत पिचक जाते हैं। वहां पे एल्यूमिनियम वाले पैनियर जिनको पसंद है वो यूज कर सकते हैं। बाकी ट्रैवलिंग के अंदर इनको निकालना बहुत आसान है, आप साथ में लेकर के ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें एक और अरेंजमेंट है, मैं वो स्ट्रैप्स एक्चुअली अभी लेके नहीं आया हूं, ये वाले जो बकल्स हैं इनके साथ में एक और स्ट्रैप आता है जो कि बैकपैक के जैसे शोल्डर के ऊपर से वो लग सकता है स्ट्रैप, तो आप इनको बैकपैक बना करके भी अपने साथ ले जा सकते हैं। तो इस वजह से ये हिमालयन के लिए मैंने यही सोचा शुरुआत में लेने के लिए, क्योंकि पैनियर्स वगैरह एक तो एक्सपेंसिव भी बहुत थे, प्लस पैनियर्स जो एल्यूमिनियम पैनियर्स हैं उनके अंदर एक्चुअली उनको 6-7 kg से ज्यादा लोड नहीं किया जा सकता, पैनियर का अपना वेट होता है। ये बहुत लाइट वेट मटीरियल है, प्लस एब्रेशन रेजिस्टेंट नायलॉन है, बहुत मजबूत बैग्स हैं और 100% वाटरप्रूफ हैं। तो आप इजी ये लेंगे, और ये अमेज़न पर अवेलेबल है, मैं पहले बताना आपको भूल गया था, समथिंग 3,800 के आसपास का एक बैग है, तो 9,000-10,000 के अंदर अंदर आपको ये तीनों बैग्स मिल जाएंगे। अगर डिस्काउंट्स वगैरह चल रहे होंगे तो वो इजीली आपको मिल जाएंगे। अब आरती शुरू हो गई है यहाँ हमारे घर के पास के मंदिर में, तो मैं बाद में आपसे बात करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल न्यू अपलोड।